पौधा खरीद अभी पका नहीं है, अभी पकेगा देख रहे हैं इसका, ठीक है ना। मीठा बहुत होता है, थोड़ा रूप से पका हुआ नहीं है, ठीक है। ये पकने की अवस्था में पहुंचेगा 20 अगस्त के बाद से इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे पार्टिकुलरली जो बिहार वाला रीजन है, ठीक है। अभी इसका जो वजन है वो लगभग 9 से 10 ग्राम के आसपास गया हुआ है। तो लौंगन जो है वो लीची की परिवार का एक फल है, ठीक है। इसकी खेती जो है यहाँ पर लीची अनुसंधान केंद्र में शुरू की गई थी और अभी जितने भी पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं सब फ्रूटिंग में आ गए हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगह से इनको कलेक्शन लाया गया था और आप देख सकते हैं कि जितने भी पौधे हैं उनमें सब में फ्रूटिंग है, बम्पर फ्रूटिंग है और एक एक पेड़ में कम से कम एक क्विंटल से ज़्यादा ही उपज आएगी। अभी जो फल का जो साइज है थोड़ा छोटा है, इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो 20 अगस्त के आसपास से स्टार्ट होगी। तो फल का साइज अभी जो है वो 8 से 9 ग्राम तक पहुंचा हुआ है और ये 12 से 14 ग्राम तक पहुंच जाता है जब हार्वेस्टिंग आता है। अभी TSS इसमें 23 से 24 आसपास आ रहा है, ठीक है। और जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसमें 24 डिग्री तक वृक्ष तक TSS पहुँच जाएगा। तो मिठास काफ़ी अच्छी होती है इसका, औषधीय इसका जो पल्प है गुदा होता है या जो सीड होता है उसका भी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और प्रोसेसिंग सेक्टर में भी उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, प्लस एज नेचुरल स्वीटनर भी इसको यूज किया जा सकता है क्योंकि इसमें मिठास बहुत ज़्यादा सफल है। हाँ सर, यहाँ पे बिहार में है, इसके अलावा कुछ झारखंड में भी और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल हो सकता है। हाँ हो सकता है। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर सुनील कुमार। सर, किसान अगर इस पेड़ को लगाना चाहे तो उन्हें क्या कुछ करना होगा इस पेड़ को लगाने के लिए? इसका पौधा हमारे यहाँ पे जो लीची की तरह जो किया जाता है, ठीक है, वही गड्ढे आपको तैयार करवाने हैं। मई जून के महीने में गड्ढे तैयार करवाना है, उसके बाद में जुलाई अगस्त जुलाई के महीने में इसका रोपण होता है, जो पौधे यहाँ पे मिल जाएंगे। इस बार से हम लोग भी जो गुटी है वो सब देख सकते हैं आप, बांधी हुई है और उसका पौधा यहाँ पे एक साल पुराना जो पौधा है 10 से 12 महीने पुराना पौधा मिल जाएगा, आसानी से उसको लिया जा सकता है, लगाया जा सकता है जुलाई के महीने में।